Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. As you all know, today we are facing the problem of COVID-19. That's why we are taking the help of online classes in the instruction of our respected principal sir. Me, Jyoti from the Wisdom School, Sirsa, is taking online classes for English. And I am taking the class of English for class 4th. Please come to me. First of all, see your book. It's your book, students. Buzz what? What is the name of your book? Buzz what? And now come to the topic. Start. First of all, students, see what's the name of chapter. A chapter name is Dawn, Cusot and the Windmills. This is related to the character of Dawn Cusot and the Windmills. Windmills means mills powered by wind. Aisi koi bhi mill jo wind se power hoti hai, that is called windmills. Come to the warm up. You are planning to explore a forest. Do you know what is the meaning of planning? Yes, planning means कुछ भी करने से पहले जो हम सोच के रखते हैं, that is called a planning. काम को करने से पहले कुछ plan करना. बेटा यदि आप बिना plan किए कुछ भी करोगे तो obvious है you cannot get a good result. यदि हमें एक अच्छा result चाहिए तो planning करनी बहुत ज़रूरी है. To explore a forest. Do you know what is the meaning of explore? Yes, explore means to travel around a place in order to travel about it. यदि आपको किसी एक प्लेस के बारे में प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, उसको एक्सप्लोर करोगे, उसको ट्रैवल करोगे. दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोर अ फॉरेस्ट. किसको एक्सप्लोर किया जा रहा है? यस, फॉरेस्ट को. नेम वन फ्रेंड यू वुड लाइक टू टेक विद यू ऑन दिस एडवेंचर. एडवेंचर मीन्स यस एक्साइटिंग और अनयूजुअल. कुछ ऐसा जो बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हो और अनयूजुअल हो, दैट इज कॉल्ड एडवेंचर. आप अपने एडवेंचर पे किसको लेके जाना चाहोगे? मेरी तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मैं तो सोच रही लगे कि मैं किसको लेकर जाऊँ. अगर हम एक को लेके जाएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को लेके जाएंगे तो पहला नाराज हो जाएगा, क्या करें? मैं तो बहुत डाउट्स में हूँ. आप सोचिए कि आप किसको लेके जाओगे. यू कैन ओनली टेक 4 थिंग्स विद यू ऑन योर एडवेंचर्स. आप अपने एडवेंचर्स पे सिर्फ 4 थिंग्स लेके जा सकते हो. सो थिंक केयरफुली. जल्दी जल्दी में कुछ मत उठा लेना. आप सिर्फ 4 थिंग्स ही लेके जा सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते. सिट विद योर पार्टनर. सो यदि आप अपने पार्टनर को लेकर जा रहे हो साथ में, तो पार्टनर का व्यू जानना भी ज़रूरी है ना, तो उससे भी पूछोगे कि हमें क्या साथ में लेकर जाना है. यू हैव 8 थिंग्स. सीट केयरफुली. फर्स्ट टॉर्च, सेकेंड पॉकेट नाइफ, थर्ड कंपास, फोर्थ रॉप, फिफ्थ मैच बॉक्स, सिक्स फोन, सेवन फूड, यमी यमी बर्गर समोसा. खाने मत बैठ जाना, अभी हमें एडवेंचर पे जाना है. बाइनोकुलर्स. यू हैव 8 ऑप्शंस. व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर ओन नेम, देन योर एडवेंचर बड़ी नेम. जिस बड़ी को आप साथ में लेके जा रहे हो उसका नेम मेंशन करोगे, और जो आप ट्रिप पे थिंग्स लेके जा रहे हो वो सब थिंग्स आपको यहाँ आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि क्या 4 थिंग्स आप लेके जाना चाह रहे हो. अपने आप से सोचना है. डो नॉट आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स से नहीं पूछोगे, आपको खुद से सोचना है कि आप अपने साथ क्या लेकर जाना चाहते हो. सो नाउ कम टू द चैप्टर. इन द टेक्स्ट दैट वी आर अबाउट टू रीड, द सेंट्रल करेक्टर. हु इज अ सेंट्रल करेक्टर? यस, यू आर राइट. आर करेक्टर इज डॉन क्यूजॉट. Imagines that he is one of the brave knights. Don Quixote क्या imagine करता है? Yes, वो अपने आप को एक brave knight समझता है. Here knights means yes, specially trained soldiers. जो specially trained soldiers होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? Knights कहा जाता है. That we read about in stories. जो हम stories में पढ़ते हैं
ही एक्ट्स लाइक अ ब्रेव मैन. देखो एक्टिंग करना और रियलिटी होना इज़ आर टू डिफरेंट थिंग्स. यहाँ पर वो एक्ट्स कर रहा है ब्रेव मैन की तरह एंड ड्रीम्स ऑफ हैविंग एडवेंचर्स. और किसका ड्रीम रखता है? यस एडवेंचर्स का, हिज इमेजिनेशन. बच्चा क्या आप जानते हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन? यस इमेजिनेशन मीन्स जो आप खुद के माइंड से सोचते हो, दैट इज़ नॉट अ रियलिटी. ये ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी हो. मेक्स हिम फाइंड एडवेंचर वेयर देयर इज नो एडवेंचर एट ऑल. और वो ऐसे इमेजिनेशन करता है जहाँ एक्चुअल में कोई एडवेंचर नहीं होता. दिस लीड्स टू फनी सिचुएशन. और ये कहाँ ले जाता है? फनी सिचुएशन में. जब आप कुछ ऐसा करते हो जो रियलिटी से बहुत दूर होता है, वो कभी कभी दूसरों के लिए फनी बन जाता है. सो कम टू द चैप्टर. वन डे डॉन क्विज़ोट डिसाइडेड टू सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एडवेंचर. डॉन क्विज़ोट कहाँ जाने का सोच रहे हैं? यस एडवेंचर को स्टार्ट करने का. सेट ऑफ मीन्स टू स्टार्ट अ जर्नी. किसी जर्नी को स्टार्ट करना क्या होता है? सेट ऑफ. बट फर्स्ट ही वेंट ऑफ टू टॉक टू सैंचो पांजा. तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? सैंचो पांजा के पास. सैंचो वॉज अ फुलिश मैन. सैंचो कौन है? एक फुलिश मैन है. हु लिव्ड विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. और वो किसके साथ रहता है? अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ. सैंचो पांजा गेट रेडी, आई नीड अ स्क्वायर. हियर स्क्वायर मीन्स एन असिस्टेंट ऑफ सोल्जर. जो सोल्जर का असिस्टेंट होता है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है. अ स्क्वायर टू शेयर माई एडवेंचर. क्या तुम रेडी हो? कौन पूछता है? यस डॉन क्विज़ोट सैंचो से पूछता है, क्या तुम रेडी हो मेरे साथ चलने के लिए, मेरी जर्नी में मेरी हेल्प करने के लिए? व्हाट इज़ द रिप्लाई ऑफ सैंचो? बट सर आई एम ओनली अ पुअर लेबरर. मैं तो एक पुअर लेबरर हूँ. एंड हाउ कैन आई लीव माई फैमिली बिहाइंड. मैं अपनी फैमिली को कैसे पीछे छोड़कर जा सकता हूँ? डॉन क्विज़ोट वॉज नॉट वन टू बैक डाउन. डॉन क्विज़ोट ऐसा पर्सन नहीं था जो बैक डाउन कर दे. बैक डाउन मीन्स गिव अप करना. वी विल डिफीट. डिफीट मीन्स यस किसी को हरा देना. मैनी नाइट्स गैदर मैनी रिचेज एंड कंगर मैनी किंगडम. हम क्या करेंगे? हम बहुत सारे मनी को कलेक्ट करेंगे, बहुत सारे किंगडम को विन करके आएंगे. इन रिटर्न फॉर योर सर्विस. और जो सब कुछ तुम मेरे लिए कर रहे हो उसके रिटर्न में आई विल मेक यू द गवर्नर ऑफ एन आईलैंड. मैं तुम्हें आइलैंड का क्या बना दूंगा? यस गवर्नर. जस्ट थिंक ऑफ हाउ ग्रैंड दैट वुड बी. और सोचो ये कितना ग्रैंड होगा. इफ योर ऑनर विल प्रॉमिस मी दिस. यदि आप मुझे ऐसा करने के लिए प्रॉमिस करते हैं, आई विल ग्लैडली सर्व यू. तो मैं आपको खुशी से सर्व करूंगा. वेरी हैप्पी सैंचो फील सो हैप्पी एंड इमेजिन ही विल बिकम अ गवर्नर. थिंक यदि आप ऐसा इमेजिन करो, कोई आपको कह दे कि आप बहुत अच्छी, बहुत ग्रेट अचीवमेंट मिलेगी यदि आप कुछ ऐसा वर्क करोगे, तो ऑब्वियस यू विल ट्राई फॉर दिस. तो आप उसको ट्राई करने का करोगे ना. थिंक कि यदि मैम आपको एक अच्छी सी चॉकलेट देने वाली हैं, तो आप अपने होमवर्क को कितने अच्छे से करेंगे. ओके थिंक एंड ट्राई टू डू दिस. थैंक यू. बाय बाय.